रेसिपी ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही बनाने का मन हो जाए और जब बनाने का मन हो तो घर पे ही पड़े सामानों से हम इस कुछ रेसिपी को चुटकियों में तैयार कर लें। ऐसे ही मजेदार सी रेसिपी मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी चोपड़ा रेसिपीज। क्या मेरी तरह आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, शाम के टाइम क्या बनाया जाए कि ज्यादा तैयारी ना करनी पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, झटपट से कोई रेसिपी ऐसी बन जाए कि ज्यादा जिसके लिए ज्यादा तैयारी ना करनी पड़े और जिसके लिए बच्चों से लेकर बड़े तक कोई नखरे भी ना करे। तो आज की रेसिपी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी को। इस रेसिपी को तैयार करेंगे हम घर पे ही पड़े सामान के साथ। सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 प्याज। प्याज को छीलने के बाद जो प्याज के ऊपर का जो जड़ वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर ये वाइट पार्ट होता है, इसको निकाल दें, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी नहीं होता, क्योंकि इससे स्मेल बहुत आती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ में लेंगे 2 टमाटर और टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप कर लेंगे। इसके साथ ही लेंगे 2 हरी मिर्च और इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कुछ लेंगे हरा धनिया और इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये वैसे टमाटर और प्याज, इन दोनों की जो क्वांटिटी है ना, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके बाद हम लेंगे पाव। इस रेसिपी को हम पाव के साथ बनाने वाले हैं। अब पैन में लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है अमूल बटर का। बटर के साथ घी इसलिए डाला है ताकि बटर जल नहीं जाए। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को गैस की फ्लेम को हम तेज रखेंगे। प्याज को हमने सोते करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि हम ये जो रेसिपी बना रहे हैं ना, इससे हमें थोड़ा सा क्रंची ही प्याज चाहिए। जब प्याज हल्के से सौते हो जाएं, हल्का सा ट्रांसलेंट हो जाएं, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च जो हमने बारीक काट कर रखी थी। इसको भी इसके तेज फ्लेम पर ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इनको आपस में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप के और 2 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है जो पिज्ज़ा सॉस होती है या शेजवान सॉस होती है। इन दोनों में से कोई भी सॉस आप इसमें डाल सकते हैं। जो शेजवान सॉस है ये मेरी घर की ही है, उसी की है। इसके बाद इसमें ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। बस हमारा ये मसाला बनकर, बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार है। इसको आप आपस में मिक्स कर दीजिए। आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे है शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, और भी हेल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पैन में से जो सारा मसाला है ना उसको निकाल लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही हम मसाले को इसमें पैन में ही रहने देंगे, बाकी मसाले को हम निकाल लेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हम जो बना रहे हैं सिर्फ 2 पाव बना रहे हैं, तो 2 पाव के लिए सिर्फ 2 चम्मच जो ये हमने मसाला बनाया था वो बहुत है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी का, जो देसी घी है उसका डालेंगे और इसके बाद इस पाव को इसके अंदर रख देंगे और इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। मसाले के साथ सिका हुआ ये जो बन है, ये पाव है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जब ये एक तरह से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और जो स्टफिंग हमने ये मसाला बनाया हुआ था इसको बिल्कुल बीच में ही स्टफ़ कर देंगे और इस तरह से हम इसको अंदर और बाहर से दोनों तरफ से मसाला लगाकर इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा एक सिंपल सा स्नैक्स बनकर तैयार है। ये दिखने में जितना सिंपल है, बनाने में जितना सिंपल है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसको बनाने में सिर्फ लगते हैं 3 से 4 मिनट और 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये मज़ेदार सा स्ट्रीट स्टाइल जो स्नैक्स है ना, बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।